के लिए थोड़ा सा हमने सोचा था कि इसको फेरी टेल काइंड ऑफ लुक देंगे. ये जो गाउन है आप देख सकते हैं, ये काइंड ऑफ बहुत ही हैवी गाउन है. वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, और ये बिकॉज़ मेरे नेचुरल जो मेरे बाल की लेंथ है वो बहुत लंबी है, तो इसलिए हमने सोचा था कि इसको काइंड ऑफ यू नो प्रिंसेस काइंड ऑफ एक ब्रेड देंगे और थोड़े से फ्लावर्स स्कैटर करके वैसे वाला लुक देंगे. दैट इज़ वाई वी चूज कि हम एक गाउन वाला लुक करें जो प्रिंसेस वाला लुक दें. एंड ऑब्वियसली किसको नहीं अच्छा लगता है ये वाला लुक, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी इस लुक के लिए, एंड आई थिंक इट इज़ लुकिंग नाइस ऑल्सो. ज्वेलरी में ये सिर्फ डायमंड की जो ईयरिंग्स हैं हमने ये मैंने पहना है, बिकॉज ऑलरेडी हमें बालों को थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करना है, इसलिए हमने ईयरिंग्स थोड़ी सी बड़ी पहन के नेक में कुछ नहीं पहना है, और हाथ में भी सिर्फ रिंग्स पहनी है. दैट्स इट. हमने ज्वेलरी को बहुत मिनिमाइज़ किया है सो दैट द गाउन एंड वो हेयर वाला लुक थोड़ा सा ज़्यादा एनहांस हो, ऐसे मेरी टीम का कहना है, मेरा नहीं. सो आई थिंक इट इज़ लुकिंग नाइस ऑल टुगेदर. जो भी है, इट्स लुकिंग रियली नाइस. ये लुक के लिए भी वही तैयारी है कि मैंने बहुत कम खाया, मैंने जंक फूड नहीं खाया. मेरी हर लुक की यही तैयारी थी, बिकॉज मेरे लिए मुझे पता है जंक फूड का दान देना कितनी बड़ी बात है. सो आई थिंक मेरी प्रिपरेशन तो इस तरीके से है. बाकी आई थिंक द टीम, जो मेरी एंटायर टीम है, दे हैव वर्कड हार्ड बिहाइंड दिस. वो एसेसरीज हो, वो गाउन हो, वो ये सब फ्लावर्स हो, बाल बनाना हो, मेकअप करना हो, राइट फ्रॉम एवरीथिंग वो लोगों ने बहुत मेहनत की है इस लुक के लिए, एंड इट इज़ देयर हार्ड वर्क इवेंचुअली. और मैं चाहती हूँ कि अब पिक्चर्स बहुत अच्छे आए ताकि सबका हार्ड वर्क पे करें.